मेरा नाम है विजय मेवालाल यादव, मैं यहाँ पे जन्म से रहता हूँ इस साइन तालाब के पास में। पहला मेरा घर उस साइड पे था, मेरे दादाजी वहाँ पे रहते थे, दादाजी गए, पिताजी, अब पिताजी के बाद मैं यहाँ पे रहने को आया ये साइड में। उसके बाद ये तालाब का जो इतिहास था, हमारे दादाजी के जमाने से यहाँ पे साफ सफाई वो करते आए, साफ सफाई होने दो, चाहे कुछ भी ऐसे धार्मिक स्थल पे यहाँ पे कोई प्रोग्राम विसर्जन होने दो, हमारे पिताजी मेवालाल यादव जी तो उन्होंने भी बहुत योगदान दिए। उसके बाद मुझे संधि मिली 25 साल से, मैं इस तालाब पे जब ध्यान देने लगा, पिताजी थोड़े बीमार चलने लगे, उस दौर से मैं देखने लगा जैसे क्राउड होते गए लोगों की, जैसे धरावी, प्रतीक्षा नगर, अंटापील, चुनावट्टी, सायन, ये सब निर्माल्य इसी तालाब में आने लगा और इतनी जड़ हो गया था तालाब। साल में एक बार महानगर पालिका इसे साफ करती थी, इसलिए करती थी क्योंकि तालाब एक प्राइवेट संस्था के पास थी, तो इधर महानगर पालिका का योजना नहीं होता था। उस समय पे नगर सेवक मंगेश श्रीधर सातम के साथ हुआ करते थे, तो उसीलिए वो उन्होंने थोड़ा जोर लगा के तालाब को साफ करवाते थे। और अब भी जब से मतलब ये तालाब देखने लायक बना, तो हम लोग ने मुहिम छेड़ा, मेरी संस्था है ब्रह्मदेव स्वयं सेवक सेवा भाग मित्र मंडल, उस संस्था के माध्यम से मैंने तालाब पे मुहिम चालू किया। सफाई के दौरान पे छोटे छोटे नवजात शिशु, मतलब बच्चे जो बोलते हैं अपन, वो इस तालाब में थैली में पैक करके रैप करके फेंक कर दिया करते थे, उसको मैंने निकालने की कोशिश किया। वहां से मेरा मतलब एक जुनून आव चालू हुआ, ये तालाब गंदगी रहेगा तो लोग इसमें कुछ भी डालते जाएंगे। फिर देखा सुसाइड केस, अभी तक के मामले में मेरे पास पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से 132 लोगों को मैंने तालाब से बचा चुका हूँ और 118 डेड बॉडी में निकाल चुका हूँ आज ये 25 साल के कालीन से। तो ये मुझे संधि मिली मेरे सहयोग, जैसे मुन्ना पठान साहब है, कृष्ण यादव, राकेश यादव, गायकवाड़ साहब, सचिन बोड़े, ये लोग मुझे मतलब मेरे यहाँ के लोकल लोग हैं, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो ये मतलब ये योजना के नहीं थे। फिर अभी यहाँ के जो स्थानीय नगर सेविका राजेश श्री, उन्होंने भी काफी मेरे को मदद किया, जो भी तालाब में योजना लगते रहा कुछ भी रहा तो मुझे देते गए, उसी साथ में सातम का साहब का भी योगदान थे। फिर ये तालाब में जो विसर्जन होने का, उसके बाद जो मूर्तियां होती थी उसके तो काफी होता, हमारे पैरों में खिल्ला लग जाने का सब होता था, मगर उसके बाद ये सातम का साहब ने मिट्टी निकलवाया। अभी राजश्री के माध्यम से ये तालाब का कुछ शुद्धिकरण होने वाला है, अच्छा है, और लोगों का ये मानता है ये तालाब शिवाजी कालीन का है और ये बचाना ये तालाब को अच्छा है। इसके अंदर मच्छी और सोटाइस वगैरह है, इससे अपन की जाते, मतलब मेरे जीवन मैंने ये तालाब के लिए व्यर्थ किया हूँ, व्यर्थ नहीं बोलूँगा, एक योगदान है मेरे लिए। मैं तालाब को किसी हाल में भी बचाना चाहता हूँ क्योंकि तालाब महानगर पालिका के अंदर में आज 12 साल से आया, TDR के माध्यम से महानगर पालिका के पास है। महानगर पालिका ने भी जितने भी मतलब आयुक्त अपने आके गए, उनका मुझे भी बहुत सहयोग था, पहले बेलारे साहब आके गए, ऐसे मतलब अधिकारी आके गए, बहुत नाम गिनाना पड़ेगा मेरे को, याद नहीं आ पाएगा इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर अधिकारी का भी काफी सपोर्ट था। वैसे ही सायन पुलिस थाने जिसको श्री पुलिस चौकी बोलते हैं, उनके सीनियर के ACP DCP उनका भी काफी सहयोग था, क्योंकि कई वस्तु मुझे तालाब से मिली, जैसे लोग कुछ भी क्राइम करके सामान फेंक देते हैं वो मैं साइन चौकी में जमा कर दिया हूँ, उसका सब मेरे पास लिखत में है, सब मैंने किया है, ये योगदान आया है। और अभी शिंदे साहब का भी सरकार है, साहब से विनंती करता हूँ जल्द से जल्द ये तालाब को एकदम अच्छे मोड़ पे, एकदम शुद्धिकरण के मोड़ पे लाए। शिव तालाब जो जिसको बॉर्डर बोलते हैं अपन साइन का हद, यहाँ से चालू होता है शिवाजी किला, साइन किला जिसको अपन बोलते हैं, उसके बाद शिव तालाब, लोग इसको साइन तालाब बोलते, ठीक है, जिसको जानकारी नहीं है, शिव तालाब जो कि इसी तालाब से उसी किले में पानी जाता था और खाना पकता था, ये इतिहास कम लोगों को मालूम है, मगर मेरा कहना है इस पानी पीने वाले को वापस पीने जैसे पानी बनाए। लोग सिपाही जब रक्षा करते थे शिवाजी के इस जगह पे, तो इसी पानी से लोग पीते थे, आज अपन इसको गंदगी बना रखे, मगर अपना एक कहना है ये पानी को मैं ऊपर से सफा करता हूँ, अंदर से भी सफा नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए महानगर पालिका से, नगर सेविका से और हमारे MLA साहब से, खासदार साहब से विनंती है, ये तालाब की तरफ ध्यान दी पूर्वक आप इसे ध्यान रखो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और ये कई सालों से करते आए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे साइन तालाब का जब नाम निकलता है तो साथ में इनका भी नाम रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, और बस सबको भी करते हैं। हम लोग तो सहयोग करते हैं क्योंकि भाई हम लोगों को बोलते हैं कि कुछ आपने को यहाँ पे कुछ अलग करना है या फिर कुछ काम करना है, तो हम लोग विजय भाई को सपोर्ट करते हैं और हम लोग आते भी है करते हैं। विजय भाई हर तरफ से तालाब के लिए फुल मेहनत करते हैं, दिन हो या रात हो, इधर ही सोते कभी भी, एनी टाइम हो, सपोर्ट करते हैं तालाब के लिए।